ओके ऑलवेज सो गाइस फाइनली हम सब बीकेटी पहुंच चुके हैं और गाइस मैंने अपनी गाड़ी को भी पार्क कर दिया। ओके सो गाइस आप चलो चलते हैं मेले में और मजा लेते हैं हम सब। किसी ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि गाइस हम सब अभी हमारे वहाँ का दशहरा डीले कर दी गई, उसकी तारीख को पानी गिर रहा था इसलिए इसकी तारीख डीले कर दी गई थी। सो इसलिए आज दशहरा है, सो आज हम सब जा रहे हैं। गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं मैं बिल्कुल रेडी तो नहीं हुआ, अभी हम सब लोग रेडी होंगे। और आप लोग देख सकते हैं मैं बिल्कुल नहा धो चुका हूँ। सो अभी हम सब लोग चलो कपड़े पहनते हैं सबसे पहले फैन। ओके सुबह आप लोग देख सकते हैं मैंने टी शर्ट बाय की थी। सो मैंने आप लोगों से दुकान पर गया था और मैंने आप लोग बताया था कि मैंने कहाँ से बाय की थी। और गाइस आप लोग देख सकते हैं इसकी प्राइस मैं आप लोग बता दूं, आप लोग मानेंगे नहीं गाइस, सिर्फ 200 की। और गाइस आप लोग देख सकते हैं कि नहीं यार ब्यूटीफुल। सो इसको मैं डालूंगा आप चलूंगा। ओके सो गाइस आप लोग देख सकते हैं मेरी कैब है। ओके सो गाइस मैं आप लोग को बता दूं, मैं बिल्कुल रेडी हो चुका। सो अब हम सब लोग निकलेंगे और चल के वहां पर हम सब क्या देख सकते हैं क्या नहीं, पर जो भी होगा बहुत ज्यादा मजा आने वाली है उसमें। कौन वहां पर बहुत ज्यादा लोग हो गए और बहुत ज्यादा भीड़ होगी। और गाइस आज हम सब लोग रावण भी देखने वाले कैसे चलता कैसे, सो वही चलो चलेंगे और देखेंगे कितना ज्यादा मजा आने वाला कितना नहीं। ओके सो गाइस चलते हैं देखते। सो वही फैम ब्रो। ओके ऑलराइट सो गाइस फाइनली हम सब लोग निकल चुके हैं घर से मेला जाने के लिए। सो गाइस आज मैं बता दूं आज हम सब लोग बहुत ज्यादा एंजॉय एंड मजा करने वाले। सो आज की वीडियो को आप लोग पूरा देखना, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा मजा आने वाली इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो जाओ जाके सब्सक्राइब करो। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा लूटने को मिलेगा। गाइस मैं आप लोग बता दूं ये दशहरा हमारे वहाँ का सबसे खास होता है, मैं हर बार जाता हूँ। सो चलो चलते हैं देखते। और गाइस आज की वीडियो को आप लोग पूरा देखना। सो वही चलो चलते हैं देखते। सो सुबह से आप लोग देख सकते हैं मैंने अपनी गाड़ी को यहाँ पर पार्क कर दिया। सो यहाँ पर मेले वेले में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, सो इसलिए मैंने अपनी गाड़ी को यहीं पर पार्क कर दिया। ओके सुबह आप चलते हैं बढ़िया से मेला देखते हैं और एंजॉय करते हैं। ओके और सुबह फाइनली हम सब बीकेटी पहुँच चुके हैं और गाइस मैंने अपनी गाड़ी को भी पार्क कर दिया। ओके सुबह आप चलो चलते हैं मेले में और मजा लेते हैं हम सब लोग क्या कर सकते क्या नहीं। सो वही काम। ओके और सुबह फाइनली हम सब मेला पहुँच चुके हैं। ओके सुबह बहुत ज़्यादा आवाज़ यहाँ पर हमारी आवाज़ आने से बहुत ज़्यादा दौड़ा होगी। तो अब हम सब चलते हैं देखते हैं कि कैसा होता मेला कैसा नहीं। आप लोगों को मेरा तो बस इसमें कैसा होगा कैसा नहीं, चलते हैं देखते हैं। सो भाई काम चलो आप। ओके सो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है, कितने ज़्यादा लोग। सो मैं आप लोग बता दूँ ये दशहरा यहाँ का सबसे फेमस दशहरा है इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। कितनी सारी शॉप है मैं अभी दिखाऊंगा यहाँ पर कितनी ज्यादा शॉप है और कितनी ज्यादा सामान। सो आप देख सकते हैं चारों तरफ शॉप ही शॉप है। सो चलो चलते हैं और आगे मैं आप लोगों को दिखा दूँ यहाँ पर हम सब क्या चीजें कैप्चर कर सकते हैं क्या। मैं आप लोगों को बता दूँ कि गाइस यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए खिलौने उलौने गुड़िया बुढ़िया कुछ भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे झूले, आई मीन आपको बच्चों वाला झूला भी देख सकते हैं आप।
गाइस फाइनली मैंने आप लोगों को दिखाया है यहाँ पर क्या क्या चीजें थी जो मैंने आप लोगों को बताया था कि बड़े बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए और छोटे बच्चों के लिए खिलौने हैं। आप लोग बहुत सारी चीजें यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं और गाइस यहाँ पर बहुत ज्यादा ही मजा आएगा। और गाइस मैंने आप लोगों को अभी इतनी सारी चीजें दिखाया, सो गाइस अभी हम तो और भी आगे चलते हैं और मैं आप लोगों को बता दूँ आप लोग क्या मैं अच्छे से दिखा सकता क्या नहीं, बट यहाँ पर ब्लॉगिंग करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। और मैं आप लोग बता दूँ यहाँ पर सॉन्ग बज रहा है इसलिए डूट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ब्लॉगिंग करने में दिक्कत हो रही है। सो बट मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जितना अच्छा कैप्चर कर पाऊंगा उतना अच्छा कैप्चर करूंगा। सो वही चलो चलते और भी आगे देखते हैं। ओके सुबह बेहतर तो मैं आप लोग बता दूँ अभी हम तो लोगों आप लोगों को दिखाने वाले BKT का सबसे फेमस तालाब। ओके सुबह चलो चलते हैं देखते। सो वही फैम ब्रो और मैं सुबह पहले मैं आप लोग बता दूँ गाइस आप लोग देख सकते हैं BKT का फेमस तालाब। सो मैं आप लोग बता दूँ इसको देखने के लिए आप लोग, सो मैं आप लोग को बता दूँ नीचे चलते देखते पानी भरा। मैं आप लोग बता दूँ अभी जल्दी पानी भरा हुआ था इसलिए दूध यहाँ पर पानी भरा। तो गाइस आप लोग देखते दूर नहीं जा सकते। ओके सुबह चलो ओके सुबह सभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वहाँ पर हम लोग नहीं जा सकते वहाँ पर वहाँ पर भाई। तो वैसे मैं आप लोग बता दूं अभी वहाँ पर दिक्कत है इसलिए डूड हम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते, बट वहाँ का नज़ारा रात में बहुत ही वाव होता है। ओके सुगेश मैं आप लोग को यहाँ का अच्छे से व्यू दिखा देता हूँ कि गाइस यहाँ पर क्या चीज़ें क्या नहीं। ओके सुगेश यहाँ का बॉम्ब है बिल्कुल। मैं गाइस मैं आप लोग बता दूँ अभी तो मैं आप लोगों को अच्छे से नहीं दिखा पाऊँगा, बट मैं इसको अकेले में जब इसको स्पेशल बनाऊंगा तो इसके लिए मैं आप लोग बिल्कुल ऐसे अच्छे से दिखाऊंगा कि कैसा है कैसा नहीं। सो भाई तब तक के लिए जाओ जाके घूम के आओ, पैसा तालाब पैसा नहीं। फाइनली मैं आप लोगों को बता दूं कि गाइस हम तो लोग थोड़ा जल्दी आ गए थे इसलिए डूट हमें गाइस आप लोगों को जो मैंने आप लोगों को दिखाया पाया वो दिखाया। गाइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी ब्लॉगिंग करने में, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाने बज रहे थे सो इसलिए डूट मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। गाइस मैं अभी बाहर चलता हूँ मेले के बाहर, कॉज अभी डामर नहीं चलेगा। गाइस मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कॉज मैं बहुत जल्दी आ गया था इसलिए कुछ हमें तो थोड़ी देर में घूमने जाता हूँ। तो हम तो लोग फिर से आएंगे अभी जब डामर चलेगा, अभी तक हम तो लोग चलो चलते हैं कहीं घूमते हैं वो अभी हम तो लोग फिर से आएंगे आधा एक घंटे बाद। ओके सुगेश अभी हम तो लोग फिर से आएंगे चलो चलते हैं बढ़ते हैं चलो। और गाइस सुगेश पहले मैं आप लोग बता दूं कि गाइस हम तो लोग फिर से वापस मेले में आ गए। और मैं आप लोग बता दूं कि अभी मेला हो रहा था और गाइस यहाँ पर आई मीन अभी रामर जल नहीं रहा था सो इसलिए मैं बाहर चला गया था। सो अब हम तो लोग जाएंगे हम तो लोग देखेंगे। और मैं आप लोग बता दूं कि गाइस यहाँ का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बॉम्ब है। ओके सुगेश पहले मैं आप लोग को बता दूं कि गाइस आप लोग देख सकते हैं कितना नज़ारा रात का बॉम्ब है। ओके सुगेश अब हम लोग चलते हैं देखते हैं रावण का वध कैसे होता है। ओके सुगेश हम देखते हैं शुरू हुआ ही काम। छोड़ रहे हैं लेकिन रावण मर नहीं रहा है। विभीषण जी जाकर के प्रभु राम के कान में बताते हैं प्रभु रावण की नाभि में अमृत है। तब प्रभु राम एक साथ 31 प्राण छोड़ते हैं और रावण की मृत हो जाती है। आप लोगों ने सब देखा। ओके सुरेश अभी मैं जितना चाहा मैंने आप लोगों के लिए सब कैप्चर किया कि कैसा था कैसा नहीं। और गाइस मैंने आप लोगों को दिखाया यहाँ पर क्या चीजें थी क्या नहीं, बट मैं गाइस आप चलो चलते हैं। ओके सुरेश चलो आप चलो।
और गाइस सो गाइस हम सब फाइनली आ चुके हैं घर। ओके सो गाइस अभी समय हुआ है 8:40। ओके सो गाइस फाइनली हम सब आ चुके हैं। ओके सो गाइस बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए मैं जितना कैप्चर कर पाया उतना कैप्चर किया कि गाइस वहां पर क्या चीजें थी क्या नहीं, बट मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लोर करा। ओके सो गाइस मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। सो आई होप इन दिस वीडियो मेक अ चैनल सब्सक्राइब रिसीव हो गया लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो टिल लाइक स्टैंड सेक्सी बेबी। ओके अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो जाओ जाके सब्सक्राइब करो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ओके सो आई फैम जो